हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में देखेंगे क्लास 9 मैथ जिसका नाम है नंबर सिस्टम। और इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.5 सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है 64 की पावर 1/2। अब हमें क्या करना है, जहां पे हमें 64 का फैक्टर करना है। तो फैक्टर आप एलसीएम लेकर भी कर सकते हैं इस तरह से 2 3 6 2। आई होप ये आता होगा आपको। 2 ये 16 बार में जाएगा और 2 के टेबल में 16 8 बार में आता है और 2 के टेबल में 8 4 बार में आता है और 2 के टेबल में 4 2 बार में आता है और 2 के टेबल में 2 1 बार में आता है। तो हमने जब इसका फैक्टर लिया तो हमको क्या मिला, हमको मिला 1 2 3 4 5 6, यानी कि हमें 2 की पावर 6 मिली। या फिर आप इसको इस तरह से 6 बार लिख सकते हैं, 4 5 6। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 64 की जगह लिखना है 2 की पावर 6 और ब्रैकेट हमें ऐसे इस तरह से बंद कर देना है। फिर ये तो पहले से ही था 1/2, तो इसको इस तरह से लिख लेंगे। अब जब हम ब्रैकेट हटाएंगे, ब्रैकेट जैसे हटाते हैं वैसे ही पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाता है इस तरह से 6 × 1/2। अभी जो पावर है ये मल्टीप्लाई में हो गया। अब देख सकते हैं कि 2 और 6 जो है 3 बार में कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, 2 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 इसको इस तरह से करेंगे, 2 की पावर 3 यानी कि 2 को जब हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 2 4 4 2 8। तो हमारा जो आंसर आएगा वो 8 आएगा। इसी तरह से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कोई चेंज नहीं है। दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है 32 की पावर 1/5। हमें फिर से 32 का फैक्टर करना है। आपको नहीं आता फैक्टर करना, आप इस तरह से करिए, 2 के टेबल में 2 16 बार में आता है और 2 के टेबल में 8 4 बार में आता है, 2 के टेबल में 4 2 बार में आता है और 2 के टेबल में 2 1 बार में आता है। तो हमें क्या मिला, 2 की पावर कितना कितना 2 है यहाँ पे, 1 2 3 4 5, यहाँ 5 बार लिख लीजिए, ये 3 ये 4 और ये 5, इसको हम काउंट करेंगे 5, तो इसको हम 2 की 5 टाइम्स है तो इसको हम 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। तो हम 32 की जगह आप क्या लिखेंगे, 2 की पावर 5, ब्रैकेट लगाएंगे और ऑलरेडी से ही 1/5 दिया गया है तो 1/5 हम लिख लेंगे। जैसे ही ब्रैकेट हटाएंगे ये क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, फिर 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 का मतलब 2 ही होता है, इस चीज को आप याद रखेंगे। थर्ड वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। अब सेम इसको भी उसी तरह से फैक्टर करना है, 135 125 को, ये 5 के टेबल में आता है तो 5 2 10 5 5 25 और 5 के टेबल में 25 5 टाइम पे आता है और 5 के टेबल में 5 एक बार में आता है। तो हमें क्या मिला, 5 × 5 × 5 यानी 5 हमें 3 बार मिला। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 125 यानी 125 की जगह लिखेंगे 5 की पावर 3 जैसे पहले और दूसरे क्वेश्चन को लिखा था। ब्रैकेट लगाएंगे सेम उसी तरह से, फिर ऑलरेडी से 1/3 यहाँ पे दिया है तो यहाँ पे 1/3 लिख देंगे। अब जैसे ही ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या होगा, ये पावर मल्टीप्लाई में इस तरह से हो जाएगा। अब देख सकते हैं कि पावर और पावर कैंसिल हो गया, यानी कि क्या बच गया, 5 की पावर 1, यानी कि 5 की पावर 1 का मतलब होता है 5। ये 5 हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे सेम उसी तरह से, बस थोड़ा सा चेंज है। अब 9 दिया गया है तो 9 की पावर 3/2 सेम उसी तरह से करेंगे जैसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया था। 9 का फैक्टर करेंगे तो हमारा 3 3 9 3, हमें 9 का फैक्टर क्या मिला, 3 × 3 यानी 3 कितनी बार में है, 2 बार में। तो यहाँ लिखेंगे 3 कितनी बार में है, 2 बार। अब ब्रैकेट लगाएंगे, 3/2 ऑलरेडी से है तो यहाँ पे लिखेंगे 3/2। अब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा 2 × 3/2। अब 2 और 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया, 3/3। अब 3/3 का मतलब है 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करिए। अगर 4 लिखा होता तो हम 4 बार मल्टीप्लाई करते, 5 लिखा होता तो 5 बार मल्टीप्लाई करते, हमें 3 बार ही मल्टीप्लाई करना है। तो 3 बार मल्टीप्लाई करने पे क्या मिला, 3 3 9 बन गया 3 9 3 27। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हम मिलेगा 27, ये इसका सही आंसर है। सेम उसी तरह से हमें सेकेंड वाला पार्ट भी सॉल्व करना है। दिया है 32 की पावर 2/5, इसका हमें फैक्टर करना पड़ेगा।
32 की पावर 2/5। अब इसका फैक्टर जब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 से जब फैक्टर करेंगे 2 1 2, 2 3 12, वो जाएगा 2 के टेबल में 8 8 बार में आता है, ये 4 बार में आता है, 2 के टेबल में 2 बार में आता है और 2 के टेबल में 1 बार में। तो हमें 2 कितना मिला, 1 2 3 4 5, यानी कि हमें टोटल कितने 2 मिल गए, 5 मिल गए। तो हम इस 2 को 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 32 की जगह 2 की पावर 5, ब्रैकेट करेंगे बंद, और ऑलरेडी से ही 2/5 दिया गया है तो हम इसको यहाँ पे लिख देंगे। अब लिखने के बाद क्या करेंगे कि ब्रैकेट हटाएंगे, हमने बताया था ब्रैकेट हटाते हैं तो ये पावर मल्टीप्लाई में आ जाता है, जब ये मल्टीप्लाई में आएगा तो इसको इस तरह से कैंसिल कर देंगे, क्या बच जाएगा 2 की पावर 2। अब 2 की पावर 2 का क्या मतलब है, 2 × 2, यानी कि हमारा क्या आएगा, 4 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बहुत इजी सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में सेम उसी तरह से करना है, दिया है 16 की पावर 3/4। तो 16 का भी फैक्टर करेंगे, 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा और 2 1 जा, तो हमें 2 कितना मिला, 1 2 3 4। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो 16 की जगह लिखेंगे 2 की पावर 4 ब्रैकेट बंद, ऑलरेडी से ही 3/4 दिया गया तो लिख लेंगे 3/4। अब ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या होगा, ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरह से, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो बन जाएगा 2 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 जब बन जाएगा तो इसका मतलब है 2 को 3 बार मल्टीप्लाई आपको करना है, तो कितना आ जाएगा, 2 2 4 4 2 8, तो हमारा आ जाएगा आंसर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 125 की पावर -1/3। तो यहाँ पे हम इसका फैक्टर करेंगे 125 का, तो ये आएगा 5 के टेबल में 5 2 10, 5 5 25, 5 के टेबल में। अगर आपको ये नहीं आता है तो आप इस तरह से डिवाइड भी आप कर सकते हैं, तो ये 5 बार में गया और ये 5 1 10, तो यहाँ पे ये डिवाइड ही हो रहा है, तो हमें क्या मिला, 125 का जो फैक्टर है 5 × 5 × 5, इसका मतलब है 5 की पावर 3। तो हम 125 की जगह क्या लिखेंगे, 5 की पावर 3 लिखेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे और ये जो ऑलरेडी से 1/3 दिया है -1/3, इसको ऐसे लिखा रहने देंगे, सेम उसी तरह से ब्रैकेट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 3 × -1/3, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 5 की पावर -1। इसका मतलब होता है 5 की पावर -1 का मतलब है ये पलट जाता है, इसके डिनोमिनेटर में 1 होता है, ये आपको पता होना चाहिए, तो ये जब माइनस में है तो ये पलट जाएगा तो ये 1/5 में आ जाएगा, तो इसका ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हमें सिंप्लीफाई करना, यहाँ पे दिया है 2 की पावर 2/3, ये डॉट, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, इसको आप याद रखेंगे, 2 2 की पावर 1/3। अब ये देखिए इसकी जो आइडेंटिटी है वो किस तरह से है, ये ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन इक्वल टू ए प्लस एन, ये इसकी आइडेंटिटी है, ये कुछ इस फॉर्म में दिख रहा है, ए आपका 2 हो जाएगा, ए आपका 2 हो जाएगा, एम आपकी पावर हो जाएगी और एन ये वाली पावर हो जाएगी, तो कुल मिलाकर जो हमारा सॉल्यूशन निकलता है ए की पावर एम प्लस 1। अब इसी में हमें रख के सॉल्व करना है, तो हमारा ए दिया है 2, तो यहाँ लिखेंगे 2, अब इसकी पावर में एम है, एम कितना दिया है 2 की पावर, ये एम है और ये एन है, तो 2 की पावर 2/3 प्लस, सो ऐसे ब्रैकेट लगा लेते हैं, और एन कितना दिया है 3/2, यहाँ रिवेस करते हैं तो एन की पावर 1/5, तो यहाँ लिखेंगे 1/5। अब इसको हम इसकी पावर को सॉल्व करेंगे तो एलसीएम जब लेंगे तो ये आएगा 15, 3 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 15 आएगा, और ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2 × 5 + 1 × 3 आ जाएगा। अब 2 की पावर ये हो जाएगा 10 + 3/15, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 2 की पावर 13/15, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में है 1/3 की पावर 3 और ब्रैकेट में 7। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसमें बाहर ब्रैकेट लग के पावर लगेगी, तो इसका मतलब ये है कि 1/7 इसमें भी हो जाएगा और 3/
थ्री के पावर 3 × 7, यानी कि जो 7 है ये ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई हो। तो यहाँ पे देखेंगे 1 की पावर 7 और ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 की पावर 21। अब 1 को चाहे जितनी बार आप मल्टीप्लाई कर दीजिए उसका आंसर 1 ही आएगा, तो लिख देंगे 1 और 3 की पावर 21। अब उसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 3 की पावर 21, उसको जब हम ऊपर भेजेंगे तो इसको यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे, चाहे आपका ये आंसर हो चाहे आपका ये आंसर, दोनों आपका आंसर सही है। अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखे दिया है 11 की पावर 1/2 और 11 की पावर 1/4, तो इसको हमें किस तरह से सॉल्व करना है, तो इसकी जो आइडेंटिटी है कुछ इस तरह से, 3 a की पावर m / a की पावर n, इसकी आइडेंटिटी कुछ इस तरह से है और हो जाएगा इक्वल में क्या आएगा, a की पावर m - a की पावर n। हमें इसी पे रख के सॉल्व करना है कुछ इस तरह से, a आपका 11 हो जाएगा, m आपका 1/2 और n आपका 1/2, तो a अपनी जगह रहेगा n 11, ये हमारा इसमें रखेंगे 11, फिर इसकी पावर में m कितना दिया है 1/2 दिया है माइनस, और n कितना दिया है 1/4। अब उसको सिंपली तरह से सॉल्व करना है और एलसीएम लेंगे तो हमारा 2 और 4 का एलसीएम लेंगे तो हमारा 4 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो 4 इधर आ जाएगा, 4 × 1 - 2 × 1, ये हो जाएगा कितना 4 - 2 / 4, तो ये हो जाएगा 2/4, यानी इसको काट दिया 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 ही रहेगा, 1/2 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 की पावर 1/2 / 8 की पावर 1/2, अब इसकी जो आइडेंटिटी है कुछ इस तरह से है, a की पावर m * b की पावर m = a * b की पावर m, ये इस तरह से होता है, यानी कि देखिए a यहाँ पे 7 है, b यहाँ पे 8 है, m यहाँ पे आपका पावर जो है वो सेम है, इस तरह से आइडेंटिटी है, तो इसका जो कुल सॉल्यूशन निकलता है a * b की पावर m, तो a कितना दिया है 7 और b कितना दिया है 8, ब्रैकेट लगाएंगे m आपका 1/2 है, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 56 की पावर 1/2, यही इसका सही सॉल्यूशन है। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, वीडियो देने के लिए धन्यवाद।